नहीं खेलने दो क्या हो गया क्या टेंशन है तो वैसे देख लो तुम लेकिन खेलने दो वो खेलता है चलाता है हो गया तेरा बचपन का प्यार पूरा असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो कैसे हैं आप सब लोग अल्लाह तला सबको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ दे बुराइयों से बचाए और हर आफत मुसीबत से अपने जमान में रखें तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अच्छा यहाँ पर जो है ना ये रात का टाइम था और ना कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सैटरडे के रात की बात है कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाएँ क्या ना बनाएँ तो ना मुझे ना मिक्स सब्जियाँ नज़र आईं जिसमें ना गाजर मटर प्याज़ हरी प्याज़ और शिमला मिर्ची मतलब जितनी भी घर में सब्जियां पड़ी हुई थी ना बैंगन आलू को छोड़ के मैंने जो है इसमें सारी सब्जियां इसके अंदर डाल दी थी तो ना बड़े मज़े की ये मिक्स सब्जी भी लगती है अच्छा इसमें मैंने साथ में थोड़ी सी चिकन पाउडर थोड़ी सी मिर्च थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा नमक और जो है ना बस ये चीज़ें डाल के और तेल भी मैंने बीच में ही डाल के इन सब चीज़ों को अच्छी चीज़ तरह मिक्स आउट किया था मैंने और इसको ना मैंने चूल्हे पर रख दिया था बस मतलब इसी तरह मैं तो ना क्या कहते हैं बनाती हूँ मिक्स सब्ज़ी और ना बड़ी अच्छी लगती है अच्छा दही टमाटर ऐसी भी चीज़ें डाल देती हूँ मैं लेकिन इतफ़ाक़ से ना टमाटर भी आज ख़त्म हुए हुए थे तो मेरे पास ये जो सॉस है ना ये इसमें टमाटर भी होते हैं लहसुन भी होती है सब कुछ ही होता है इसके अंदर तो ना इसका भी बड़ा अच्छा जायका आता है एक तरह से ये ना जैसे टमाटर की प्यूरी होती है ना ये टमाटर की प्यूरी है उसी तरह से तो मैंने क्या किया था कि जैसे टमाटर नहीं डाले तो मैंने टमाटर की प्यूरी डाल दी थी इसके अंदर अच्छा वो भी डाल के फिर इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स आउट किया और इसको मैंने जो है पहले थोड़े से थोड़ा सा ना तेज़ आँच पे रखा पाँच एक मिनट फिर उसके बाद ना मैंने दम में रख के इसको बना लिया था और बड़ी अच्छी से तैयार हो गई थी फिर रोटी वगैरह खा बना के फिर वो खा ली थी अच्छा यहाँ पर ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि ना इम्तियाज़ की जो सब्ज़ियाँ हैं बड़े अच्छे और नॉर्मल प्राइस में मिल जाती हैं दूध और जैसे बाकी सौदा वगैरह आटा वगैरह वो चीज़ें सारी आती हैं वहीं से चीनी और चावल आटा इस तरह की चीज़ें ना इम्तियाज़ से आती हैं तो उसके साथ ना कभी कभी ये सब्जियां भी आ जाती हैं तो देखें सब्जियों के कितने मुनासिब जो है ना दाम थे लेकिन सही बताऊँ ये भुट्टे बहुत बुरे निकले भुट्टे बिल्कुल अच्छे नहीं थे वैसे ूसे पुस से से मतलब जो ठेलों पे मिलते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे फ्रेश होते हैं भुट्टे मुझे ना ये बुट्टे इतने फ्रेश नहीं लगे हाँ ये जो शकर गगंदी थी ये अच्छी मज़े की बनी हुई थी अच्छा मतलब थी अच्छी थी मैंने फिर इसको ना बना लिया था उसमें क्या कहते हैं जो मिट्टी की हांडियाँ होती हैं जिस तरह मैं बनाती हूँ मैंने पहले भी आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया तो उसी तरह मैंने फिर इसको बना लिया था अच्छा यहाँ पर ना ये संडे का ना शाम का टाइम था तो ना ये बाइट समोसे और रोल वगैरह मंगाए थे मैंने और जो है ना ये बना रख लिए थे साथ और चाय वगैरह मैंने बना ली थी साथ और ना बर्गर वगैरह बना लिए थे क्योंकि ना पेट वगैरह नहीं भरा था क्योंकि हम लोगों ने ना लेट नाश्ता किया था तो दोपहर में कुछ नहीं खाया था हम लोगों ने एक तरह से स्किप कर दिया था दोपहर का खाना और अक्सर ना हम लोग संडे वाले दिन दोपहर में खाना नहीं खाते हैं तो ना फिर भाई वगैरह भी आया था बच्चों को लेके मेरा तो वो ना दोपहर के टाइम पे तो वो खेलने मिलने के लिए बच्चे आए थे सब लोग तो फिर मैंने ना यहाँ पे बर्गर वग़ैरह साथ बना लिया था मैंने कहा भाई को बर्गर वग़ैरह दे दिया था फ़ारूक को बर्गर दे दिया था और ये चीज़ें भी थी फिर ये कि ये सब कुछ ही मिल बाँट के ना सब ने हम लोगों ने खा लिया था और बस आसरा कर लिया था अपना फिर मैंने कहा ये ज़रा आसरा करके उसके बाद मैंने कहा खाना वगैरह शाम में बनाती हूँ तो जो है संडे के दिन पता नहीं क्या होता है एक तो पूरा दिन ना ऐसा लगता है बस आप कुछ ना कुछ पकाए जा रहे हैं कुछ ना कुछ बनाए जा रहे हैं मतलब पूरा दिन ना बस आप चूल्हे के आगे ही लगता है कि खड़े हैं और जो है ना काम ही नहीं संडे वाले दिन ना ख़त्म होते हैं कुछ अच्छा उसके बाद ना मैंने क्या किया था यहाँ पे हम लोगों ने खा वा के फारक हो गए थे तो फिर जो है ना मैंने ये झूला हानी का लगवाया था ये ना क्या नाम है बड़ा खुश हुई हानि ना माशाल्लाह से अब ना कल से ना ये इसमें बैठ के ना बड़ा माशाल्लाह खुश हो रही है और ना आराम से खून से खेल रही है इसके अंदर काफ़ी देर बैठी रही इसके अंदर झूला झूलती रही है और जो बड़े बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे इसका आगे पीछे का हटा के और ना उसमें बैठ के आराम से झूल रहे हैं और मज़े कर रहे हैं अच्छा फिर ये देखें ये मैंने इस तरह बनाती हूँ मैं जैसे आपको बता रही हूँ मैं तो कुछ भी नहीं खुश्क रखते हैं इसको और हल्की दम वाली आँच पर इसको रख देते हैं और ये बिल्कुल ऐसे बाजारी स्टाइल बनती है बाज़ार से लाख गुना अच्छी साफ सुथरी अपने हाथ से बनी हुई आपको पता होता है आपने सुथरी बनाई हुई है और जो है ना गरम गरम होती है बहुत मज़ा आता है अच्छा ये जो मसाला था ना ये भी बाज़ार का मसाला था ये ना जो इसके साथ और uh, रोल और ये जो मिनी बाइट समोसे थे उनके साथ जो मसाला आया था ना ये वही वाला मसाला था बड़ा अच्छा मज़े का मसाला था ये खट्टा मीठा सा तो ना मैंने कहा ये शकरगंदी के साथ भी अच्छा लगेगा तो फिर मैंने ना इन लोगों को बच्चों को भी और इनको भी ना सबको शकरगंदी के इसके साथ ही ना मैंने दे दिया था यही मसाला दे दिया था और ये हानि मैं नम भी उछल रही थी कि मुझे भी दे दो भाई मुझे भी किसी खाते में ले आओ <laughs> तुम लोग अकेले मत खा लो तो फिर ये कहानी को भी थोड़ा थोड़ा इन लोगों ने सबने खिला दिया था अच्छा उसके बाद जो है ना मैं जो थी मैंने कहा चले बिरयानी बना लेती हूँ यहाँ पे मैंने चार पांच प्याज़ ली थी और जो है न उसको इस तरह कट करके और फिर इसको फ्राई करने के लिए रख दी थी साथ इसमें तेल वगैरह डाल दिया था मैंने ज़रा ना अच्छा सा तेल डला तो प्याज और मसाला ना बड़ा अच्छा सा तैयार होता है तो मैंने यहाँ पे तेल वगैरह डाल के अब जब यहाँ पे प्याज़ ब्राउन हो गई थी हल्की सी तो फिर मैंने क्या किया था कि ना गोश्त वगैरह जो था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था इसी के साथ ही मैंने आज डाल दिया था प्याज नहीं आज मैंने निकाली थी क्योंकि ना देर हो रही थी और जो है ना कुछ गैस का भी पता है। पता नहीं होता कि ना दस साढ़े पौने दस कभी चली जाती है कभी लेट भी चली जाती है लेकिन ना दस पौने दस के करीब ना हमारे यहाँ गैस चली जाती है सैटरडे वाले दिन होता है कि ज़रा लेट आ लेट तक आती है वरना नॉर्मल डेज में तो जो है ना ये पौने दस दस के करीब तक ना चली जाती है गैस तो मुझे ये था कि जल्दी से ये भी तैयार हो जाए खाना तैयार हो जाए एटलीस्ट तो यहाँ पर जो है ना फिर आ, मैंने जो है इसको गोश को डाल दिया था प्याज के अंदर गोश्त मैंने ये होगा कोई पौना किलो के करीब शायद होगा मैंने डाला था इसके अंदर गोश्त ये मैंने सारा गोश्त इसके अंदर डाल के और जो है ना इसको फिर हल्का सा मैं भून लूँगी गोश्त को कि जो है ज़रा ना आ, कलर ज़रा सा चेंज हो जाए इसका जब तो इसका कलर चेंज हो जाएगा हल्का सा तो फिर ना मैं इसके अंदर क्या करूँगी लहसन अदरक का जो पेस्ट होता है उसको ना मैंने चॉप कर लिया था पीस लीजिएगा चॉप कर लीजिएगा जो भी करना हो कर लीजिएगा लेकिन ये कि फ़्रेश लहसुन अदरक डाला करें मैं हमेशा बोलती हूँ रोज़ बोलती हूँ कि ना फ्रेश लहसन अदरक डाला करें मतलब उससे ना खाने में बहुत फ़र्क पड़ता है और लहसुन अदरक अच्छा सा भी डला हुआ हो ना किसी भी गोश्त की रेसिपी में ज़्यादा और अच्छा डला हुआ हो तो ना मतलब उतना ही अच्छा मुझे लगता है कि मतलब खाने का ना जायका निकल के आता है अच्छा फिर मैंने इसके अंदर जो है ना ये लगा लें ये दो ढाई चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर लसन अदरक डाल दिया था और लहसन अदरक में भी ना मैंने थोड़ा सा नमक डाला था क्योंकि ना फिर वो उछलता उछलता नहीं है एक ही जगह रह के ना आराम से पिस जाता है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा उसमें नमक डाल देती हूँ अच्छा यहाँ पर अब ये देखें लहसन प्याज और गोश अच्छी तरह से भुन गया था जब तो जब मुझे लगा कि अच्छी तरह से भुन गया है फिर मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए थे टमाटर ना बड़े बड़े से मैंने तीन टमाटर लिए थे और ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे अच्छे बड़े साइज़ के टमाटर थे इस बिरयानी में पूरी में ये मैं खाते तीन ही टमाटर बस गए होंगे और इसके बाद जो है ना जब ये ज़रा टमाटर ज़रा से सॉफ़्ट हो गए थे तो फिर मैंने इसके अंदर जो है ना मसाले वग़ैरह इसके अंदर डाल दिए थे अच्छा मैंने यहाँ पर एक डेढ़ चम्मच के करीब जो है ये चिकन पाउडर डाला है और एक ए, हाफ स्पून का जितना मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला था ये बहुत ही सटल सी मैंने बनाई थी बिरयानी बहुत ना मिर्ची वाली थी ना बहुत हल्की थी बस नॉर्मल सटल सी बनी थी बहुत अच्छा यहाँ पे मैंने दो चम्मच के करीब जो है ना धनिया पाउडर डाला था अच्छा मैंने बाज़ार का मसाला नहीं डाला ताम झाम में नहीं पड़ना चाहते तो बाज़ार का पैकेट खोलें और एक पैकेट इसके अंदर डाल दें चल भी सारी टेंशन ख़त्म हो गई कोई मसाले इतना निकालने निकालने की और जो है ना इतना उतना डालने की टेंशन नहीं है चले वहीं वो डाल के पैकेट डाल के फारिक करें अच्छा यहाँ पर मैंने जो है ना कुटी मिर्च डाली थी हाफ़ स्पून के जितनी और पिसी मिर्च मैंने डाली थी हाफ़ स्पून के जितनी और ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर डाला था वरना नॉर्मली मैं गरम मसाला पिसा हुआ नहीं डालती क्योंकि मुझे लगता है कि ना हांडी का कलर थोड़ा सा ना ब्लैक हो जाता है सालन का कलर या किसी भी चीज़ का कलर ना मुझे लगता है कि ना बहुत तेज़ कलर हो जाता है इसका तो खैर मैंने इसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा और मैंने थोड़ा नमक भी डाल दिया था कि नमक मुझे थोड़ा हल्का लग रहा था तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था और आलू ना बड़े बड़े आलू थे तो मैंने क्या किया था दो आलू ले लिए थे और इसमें दो आलू भी डाल दिए थे मैंने और इसको जो है ना हल्का सा बस भून के और जो है थोड़ा सा पानी में डाल के ना इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी क्योंकि जो है जितना क्योंकि अभी इसमें जो है ना जितनी भी कसर होगी ना आलूओं में वो जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी इसके अंदर क्योंकि आलू तो कच्चे हैं बिल्कुल और चिकन भी हर इतनी कोई वो नहीं हुई हुई कि बहुत ज़्यादा हलवा हुई हुई हो बिल्कुल हलवा वलवा नहीं हुई थी बिल्कुल सही की चिकन भी थी और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप के जितना मैंने इसमें पानी डाल के इसमें रख दिया था और थोड़ी देर में ढक दूँगी इसको पाँच सात मिनट के करीब ढक दूँगी कि ना आलू हल्के हल्के से इसके अंदर गल जाए पानी के अंदर और पानी भी खुश्क हो जाए अच्छा तो यहाँ पर जो है ना ये मैं आपको मैंने कहा बच्चों का दिखाती हूँ तो ये जो बच्चे थे जितनी देर में खाना वगैरह बना रही थी तो ये इर्तजान वगैरह जो थे वो इसमें ऊनों में लगे हुए थे और हानी पता नहीं क्या कर रही थी हानि शायद झूला शायद झूल रही थी तो इतजान वगैरह ये देखें ये ओनो खेल रहे थे ये नया इनको ना एक जोश चढ़ा हुआ है इतने ओनो के पैकेट्स जो है ना इन लोगों ने निकाले हुए हैं कोई चार पाँच अपने ओनो के पैकेट्स इन लोगों ने निकाले हुए हैं और ना उसी से इन लोग ना खेल खेल के ना कल पूरा दिन ना इसी से खेलते रहें ये लोग अच्छा यहाँ पर ये देखें ये आ, पानी भी खुश्क हो गया था और आलू भी हो गए थे तो यहाँ मैंने क्या किया था आ, इसको हटा लिया था और इसका जो भी मैंने ये था चिकन आलू और ये मसाला वग़ैरह था वो मैंने क्या किया था दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया था और इसी बर्तन के अंदर मैंने कहा मैं ना क्या कहते हैं दम इसी बर्तन के अंदर लगा देती हूँ अच्छा मैंने क्या किया था शुरू में जैसे आपने देखा होगा जब मैं प्याज ब्राउन कर रही थी तो मैंने चावलों को जो था ना इनको बॉईल कर लिया था चावल का वही बेसिक तरीके से बॉईल किया था मैंने नमक और तेल डाल के ही बस बॉईल कर लिया था मैंने इसके अंदर अच्छा तो यहाँ पर बस मैंने एक नीचे थोड़ा सा तेल और मसाला था तो उसके ऊपर मैंने चावल डाल दिए थे अब चावल डालने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा मसाला डाल दूँगी और जो है ना इसके जो लवाजमत होते हैं बिरयानी के धनिया पुदीना मिर्च और टमाटर और लीमू अभी पता है ये चीज़ें कोई भी नहीं खाता है हर बंदा ना साइड में कर देता है इस चीज़ को लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो शोशा के लिए थोड़ी सी डालनी चाहिए धनिया का अच्छा बहुत अच्छा जायका आता है धनिया पुदीने का और मिर्च का तो बहुत अच्छा जायका आता है हाँ टमाटर और नींबू जो होते हैं ना ये बेचारे साइड में हो जाते हैं इनकी कोई इज्जत नहीं होती <laughs> ये जो इस तरह के होते हैं ना इनको इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाले थे मैंने बिल्कुल थोड़े से ही डाले थे और नींबू भी मैंने बहुत दो ही नींबू डाले थे वो भी मैंने ज़्यादा नहीं डाले थे अच्छा यहाँ मैंने चावल डाल दिए थे फिर दूसरी भी तय है अच्छा ये जो बिरयानी थी ना बहुत सटल सी बनी थी ना बहुत स्पाइसी थी ना बहुत मिर्ची वाली थी क्योंकि ना मैंने बच्चों को सोच के रखी थी कि मैंने कहा जरा ना बच्चों को ना स्पाइसी वगैरह इतना ना नहीं बच्चे खाएंगे तो इस चक्कर में ना मैंने ज़रा ना इसकी ना मिर्च मसाले ना इसके हल्के रखे थे बिल्कुल अच्छा आप ना इस टाइम पर जिस टाइम पर आप ये तय लगा रहे हैं इस टाइम पर अगर आप ना वो जर्दे का रंग डालना चाहें तो आप लोग वो भी डाल लीजिएगा वो भी ना अच्छा लगता है जर्दे का रंग भी ना इसके अंदर डला हुआ मेरे पास ना ज़रा ख़त्म था तो इस वजह से मैंने नहीं डाला था आपने डालना हो तो डाल लीजिएगा अच्छा यहाँ पर मैंने जो पतीली में जितना था ना वो सब मैंने मसाला वगैरह सब कुछ ना इसके अंदर निकाल लिया था और जो इसके जिस जिस तेल के अंदर मैंने ना आ, ये कोरमा पूरा भुना था वो तेल मैंने बाद में क्या किया था कि जो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था ना ये सारा एक्स्ट्रा ऑयल पहले मैंने अलग बर्तन में इसमें डाल लिया था और फिर मैंने ना कोरमा अलग बर्तन में डाला था क्योंकि मैंने कहा बहुत ज़्यादा ऑयली भी ना अच्छा नहीं लगता है और वैसे ही भाई ऑयल तो सेहत के लिए अल्लाह माफ़ करे हार्ट अटैक है <laughs> इतना तेल खा के जाना खाएँ अगर देखें ये सारा तेल इस बिरयानी के अंदर जाता तो फिर ये क्या हाल करता हमारे अंदर जाके क्या हाल करता तो भाई इस वजह से मैं मैं ना ज़रा तेल और इन चीज़ों पे ना घी पे थोड़ा ना मुझे होता है कि कम से कम ही हो तो जो है मैंने निकाल लिया था फिर मैंने इसके अंदर क्या किया था दम के लिए थोड़ा सा जितना ज़रूरत थी मैंने उसके अंदर ना उतना डाल दिया था और फिर यहाँ पर मैंने दम में रख दिया था दस पंद्रह मिनट के करीब मेरा खाल से दम लगा था चावलों को तो फिर यहाँ पर ना बच्चों को भूख वगैरह लग रही थी पहले मैंने सबसे पहले क्या किया था साइड से बच्चों को निकाल दिए थे क्योंकि जो है मैंने कहा ज़्यादा स्पाइसी ना हो तो मैंने कहा बच्चों से खा हो जाए असल में हानी और नवैरा जो है ना उनसे नहीं खाया जाता है ज़्यादा स्पाइसी तो उनकी वजह से ना ज़्यादा मैंने ना इस तरह निकाल लिया था साइड पर और अर्तज़ा का तो ये फिर भी अर्तज़ा ना माशाला खा लेते हैं और जो है ना बस हानि नवैरा का होता है मसला वो लोग नहीं खाती हैं तो साइड से मैंने पहले निकाल लिया था उनके लिए उसके बाद फिर मैंने क्या किया था पूरे ना इसके अंदर चावलों का इस तरह मिक्स आउट कर लिया था और माशाल्लाह से ये ना तीन प्याले मैंने बनाए थे तो माशाल्लाह तीन प्याले माशाल्लाह हमारे एक टाइम पे ख़त्म हो गए थे कि माशाल्लाह इतनी अच्छी बनी थी ये अच्छा उसके बाद जो है ना हम लोगों ने खाना वगैरह निकाला थोड़ी सी सैलेड बना ली थी खाना वगैरह खाया और इसी के साथ वीडियो ख़त्म हो गई चलें अपना ख्याल रखिएगा दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़